हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट एज एक्सपेक्टेड एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी बात मैं पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूँ। 41,200-41,300 का जो लेवल है वो मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट होने के बाद जो है हम अपसाइड जाने की कोशिश करें तो डेफिनेटली उसकी तरफ मार्केट बढ़ा है। वीकली कैंडल हमें जो क्लोजर मिला है उसके बेसिस पे वीकली कैंडल क्या कहते हैं, एंड यही नहीं ये वीक जो है कैसा कर सकता है इसके ऊपर जानेंगे डिटेल में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderTA.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे साथ सीखने चाहते हो तो जरूर जो है आप academy.cryptoinsiderTA.com को विजिट कर सकते हो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। अगर आप अभी जो है प्लान आउट नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि 4 आवर का जो क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है वो आप जरूर अवेल करो, क्योंकि मैं जो भी आपको कहता हूं इस चैनल पे उनके बेसिस पे अगर आपको कॉल लेना चाहे ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टमेंट का, तो मेक श्योर करना कि आप उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो और उसके बेसिस पे ही एंट्री और एग्जिट प्लान करो। एंड डेफिनेटली गाइस, इससे आपका अपना रिस्क और रिवार्ड आप मेंटेन कर पाओगे और आपको मार्केट में डर भी नहीं लगेगा। तो जानने के लिए 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री। तो दोस्तों, अब बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन की। जी हां, बिटकॉइन अभी जो मोमेंटम दिखा रहा है लगभग 42,177 डॉलर के आसपास फिलहाल हम जरूर बने हुए हैं, लेकिन कल के दिन हाईएस्ट क्या रीच हुआ था, 43,450 डॉलर, एंड लोएस्ट जो रीच हुआ 41,880 डॉलर। क्लोजर कहां पे मिला, 42,133 डॉलर। क्या ये अनएक्सपेक्टेड था? बिल्कुल भी नहीं गाइज। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ कि गाइज, इट इज पॉसिबल कि हम जो है जिस हिसाब से स्लिप कर रहे हैं, देर इज अ हाई चांस कि हम 41,400 के नियर बाय जा सकता है। अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट फिगर से ही हमें बॉन्स मिल जाए, हो सकता है 100 डॉलर ऊपर 100 डॉलर नीचे का रेंज हमें जो है लेके चलना है, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो, और जब तक हम गोल्डन रेशियो का सपोर्ट मेंटेन करते हैं वी आर इन दिस अप ट्रेंड। एंड वैसे भी सपोर्ट लाइन आप देखोगे ये अभी का ड्रॉन नहीं है, अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो आपको पता है अभी जो रिसेंटली बॉटम आया था उस दिन से अभी तक मार्केट ने इस लाइन को मेंटेन किया और इस लाइन को रीटेस्ट करता है अगर, तो 41,300-400 के आसपास नियर बाय प्राइस जा सकता है। फिलहाल कल के दिन का कैंडल की बात करेंगे, शॉर्ट आवर्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आप अगर देखोगे अभी कैंडल जरूर बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल इंडिकेटर क्या कहता है, इंडिकेटर इज नॉट पॉजिटिव। पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूं कि अगला जो 4-5 दिन है वो खराब हो सकता है बिटकॉइन के लिए, और जब वो चीज होता है तो आपको बुरा लगता है, जब मैं ये बात कहता हूं तो आपको बुरा नहीं लग रहा होता। डेफिनेटली अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा पिछले हफ्ते से मैं आपको कह रहा हूं कि देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम अगले 4-5 दिन अच्छा ना करें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इस रेंज को टेस्ट कर रहे हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम आ चुके हैं, नियर बाय आ चुके हैं, मुश्किल से अगर परसेंटेज वाइज देखें अभी जो लोएस्ट रीच किया उसके हिसाब से तो मुश्किल से जो है लगभग 1% का और डाउनफॉल हमारे उस टारगेट को रीच कर जाएगा। वहीं अगर बात करूं सकोष्टी कार्य से, बिल्कुल बॉटम अप हो चुका। अब जब तक ये 20 कैब अब नहीं जाता तब तक आपको मार्केट में मेजर जो है अप ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। इस बीच में साइडवेज एक्शन जरूर चलता रहेगा, जैसे कल के दिन हमें देखने को मिला स्पाइक, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर मैटर, तो क्लोजर अभी तक हमें पॉजिटिव नहीं मिला है, मोमेंटम इंडिकेटर बहुत तेजी से स्लिप करता हुआ दिखा है कल के क्लोजर के बाद। दैट इज ऑब्वियसली जो है आपका नेचुरल है, क्योंकि आपका जब इतना हैवी रिजेक्शन मिलता है तो आपको सारे इंडिकेटर इसी हिसाब से मूव करते हुए दिखते हैं। लेकिन फिलहाल अब यहां से क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि सारे इंडिकेटर जो पिछले हफ्ते स्टार्टिंग में सारे पॉजिटिव बने थे अब वो सारे निगेटिव बने हुए। तो पिछले हफ्ते जब पॉजिटिव बने थे तो मैंने आपको कहा था कि यहां पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता 48,000 के आसपास, तो वो निगेटिव अब बनाया है। तो यहां पे अब मैं कह रहा हूं कि सपोर्ट है, यहां से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। अगेन हो सकता है कि आपको डाइजेस्ट ना हो, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, बट स्टिल आपको ये ध्यान देना है कि अभी भी हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट केस। एंड जिस लेवल को हम हिट कर रहे हैं वो मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, वो 12 साल का जो सपोर्ट जोन है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, और 12 साल का सपोर्ट जोन इतने आसानी से हम नहीं तोड़ने वाले हैं। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि इसी साल हम 12 साल के इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, हम पिछले 12 साल में से कई बार रीटेस्ट कर चुके हैं, जब जब रीटेस्ट किया हमने हैवी बाउंस बैक देखा, और उसी के बेसिस पे मैंने आपको मार्केट का जो रीसेंट बॉटम आया था 3,300 डॉलर के आसपास मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली हम यहां से रिवर्स कर जाएं, और वैसा अभी तक तो फिलहाल देखने को मिला। अभी भी हम उस लेवल से एटलीस्ट तो अभी भी हम लगभग 10,000 डॉलर ऊपर है जिस लेवल पे मैंने आपको कहा था कि गाइस दिस इज सीम्स की
ये एंड हो गया और यहां से कंसोलिडेशन शुरू होगा। कंसोलिडेशन के बाद हमारा अप ट्रेंड शुरू होगा। अप ट्रेंड हमारा स्टार्ट हुआ बट अनफॉर्चुनेटली हम 200 ईएमए लाइन के नीचे आ गए। तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं तब तक वापस से वो बुलिशनेस आपको रिज्यूम होता हुआ शॉर्ट मोमेंटम में नहीं दिखेगा। और धीरे धीरे ऐसा कुछ मोमेंटम होता है, जब भी मार्केट अप जाता है तो बहुत तेजी से जाता है, जब भी मार्केट डाउन जाता है तो भी बहुत तेजी से जाता है। और कंसोलिडेशन फेज होता है मेन टॉप लेवल पे और एक बॉटम लेवल पे, दोनों जगह पे आपको टाइम स्पेंड करता हुआ मार्केट दिखता है। तो वैसा ही कुछ जो अभी शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन बनता है वो मेरे हिसाब से आज से हमें रिवर्सल मिल जाना चाहिए, नहीं तो कल से एटलीस्ट कल इवनिंग के बाद से हमें पॉजिटिव मूव्स आने शुरू हो जाने चाहिए। लेकिन इससे पहले इट इज पॉसिबल कि 41,000 का लेवल या 41,200 के आसपास का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। क्या इसके नीचे नहीं जा सकता उसकी भी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता दूंगा डिफरेंट चार्ट पे। बट फिलहाल बात करता हूं फ्यूचर के चार्ट पे क्या हुआ। फ्यूचर के चार्ट पे कोई भी गैप नहीं है, एक्सपेक्टेड जो मूव था वो हमें उसी रेंज में रखा, यानी कि कोई सीएमए गैप नहीं बना एंड अल्टीमेटली हम अभी भी जो है मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी भी लगभग जो मैं आपको कह रहा था इस लेवल पे कि यार अगले 4-5 दिन मुझे सही नहीं लग रहे हैं, तो अभी यहां पे ऑलमोस्ट जो है कल के दिन वो डेडलाइन है। तो लेट्स सी कल के दिन से क्या मोमेंटम मार्केट में वापस से शिफ्ट होता है पॉजिटिव साइड। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यस, ऑल्दो इंडिकेटर्स आपको नहीं दिखाएंगे बट मैं ऑन द बेसिस ऑफ माय स्टडी कह रहा हूं। डेफिनेटली जो है कोर्सेज में इन सबके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करूंगा बट यहां पे बात करता हूं कि हमारा वीकली चार्ट क्या कहता है। वीकली चार्ट सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, वीकली चार्ट क्या कह रहा है हमारा। वीकली चार्ट डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स हमें कह रहा है कि कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले वीक का क्लोजर डेफिनेटली हमारा वापस से 21 ईएमए के नीचे ले आ गया, ठीक उसी पोजीशन पे जहां पे दो हफ्ते पहले जब हमने बाउंस बैक दिखाया था तो वी आर हैप्पी, बट अभी हम उसी लेवल पे हैं तो हम दुखी हैं। यही है, कंपैरिजन इज ऑल अबाउट सफरिंग। तो डेफिनेटली जो है जब हम इस मोमेंटम में इसी प्राइस पे थे तो पॉजिटिव साइड था, बट अब इसी प्राइस पे हैं तो अभी नेगेटिव साइड बन रहा है। जबकि मैंने आपको कहा था कि 48,000 के आसपास से रिजेक्शन मिल सकता है एंड ऐसे सिनेरियो में 43,000 वाज द की लेवल, बट वो भी ब्रेक हो गया 42,000 के आसपास, इनफैक्ट 41,000 के रेंज में हम घूम रहे हैं। डेफिनेटली वो ऑल्टकॉइन को भी इंपैक्ट करता है डॉलर के टर्म में, जिसकी बात भी मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं। तो डेफिनेटली क्या हो सकता है इस वीकली कैंडल, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 43,600-43,700 का लेवल। वंस वी ब्रेक दैट लेवल देन डेफिनेटली वी आर कंटिन्यू दिस जर्नी। ऑब्वियसली इस वीक देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे बिहेव करता है। वहीं सपोर्ट की बात करूं, नीचे काफी नीचे अगर इस लेवल पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये अपने आप में एक सपोर्ट है जहां पे हम अभी हैं, इस चीज को माइंड में आप लेके चलो। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर 41,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोजर होता है वीकली कैंडल, तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट वापस से 3600 के आसपास 36,000 के आसपास जो है हमारा सपोर्ट लाइन है। बट अभी ओवरऑल वीकली चार्ट पे आप देखोगे मैकडी हमारा मेंटेन है, मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव थोड़ा सा हुआ है। आपको पता है मैं आपको इस चीज के लिए कई दिनों से कह रहा हूं कि यार अब यहां से रिट्रेस होगा, अपसाइड आएगा, तो वो होता हुआ दिख रहा है। और आपको ये चीज 25 मार्च लगभग 15 मार्च के बाद से दिख रहा है डेफिनेटली। और डेफिनेटली जो है ये मोमेंटम कितना लंबा चलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। लेकिन ओवरऑल आप हिस्टोरिकली अगर ग्राफ देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वी आर एट द बॉटम। और हमेशा कहते हैं कि इंडिकेटर जब बॉटम अप हो तो बेस्ट बाइंग जोन होता है, ना कि सेलिंग जोन होता है। अगर सेल करना है तो बॉस इस जगह पे करो, इस जगह पे करो, कोई भी सिंपल इंडिकेटर भी देख दो उस केस में भी। तो हिस्टोरिकली हम इतने नीचे कभी गए नहीं थे, तो डेफिनेटली जो है हमारा जिस हिसाब से चीजें चल रहा है डेफिनेटली इट्स सीम्स कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एक बड़ा रैली देखने वाले आने वाले डेज में। हम बाउंड्री लेवल पे स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, तो ये आपको बुरा लग सकता है, पेन दिला सकता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे स्कोप ऑफ मूव तो आपको दिखेगा कि स्कोप ऑफ मूव यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं है, स्कोप ऑफ मूव ऊपर की तरफ है। क्या हम एक और डिप नहीं दिखा सकते यार? दैट इज पॉसिबल, बट मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई किसकी बनती है, क्योंकि हम इस पूरे ड्यूरेशन में बुल रन के मैक्सिमम टाइम रेड कैंडल बनाया है। This is totally unexpected move during the bull run. इसीलिए bull run stretch हुआ है और इसीलिए एक बड़े move आने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। Definitely यहाँ पे अगर इसे नीचे भी जाना है तो भी एक move further हमें ले जाएगा लगभग इस level के आसपास। और उस rally में भी Bitcoin आराम से 80-90,000 डॉलर जा सकता है अगर इस level का भी move आ गया MACD पे। तो मैंने एक छोटा सा fact रखा आपको chart पे, समझ में आता है या नहीं आता आप मुझे comment box में जरूर लिखेगा। But यहाँ पे आगे बढ़ते हैं weekly chart पे, definitely we are still struggling. Green line हमारा धीरे धीरे upside जा रहा है, व्हाइट लाइन अभी भी पेस नहीं पकड़ा है वीकली चार्ट पे। हमें चाहिए पेस पकड़े व्हाइट लाइन, जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें डेफिनेटली जो है बहुत बड़ा मूव आएगा, अब बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ऑल दो वी आर स्ट्रगलिंग ऑन दीज लेवल्स एंड दीज आर द की बाउंड्री लेवल, एंड स्पेशली मैं चार्ट पे ज्यादा विजुअल नहीं है, मैं डिफरेंट चार्ट पे लेके चलना चाहूंगा आपको। एंड यहाँ पे मैं जरूर जो है ले जाऊंगा इस चार्ट पे। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेटली अलग अलग लेवल ऑफ सपोर्ट फिर से मैंने ड्रॉ किया है। आपको पता है ये लेवल ड्रॉन था और ये लेवल मैंने ऐड किए, ये दो लेवल, ये जो करंट लेवल है ये अपने आप में सपोर्ट है, इस चीज को माइंड में लेके चलना। क्यों? क्योंकि हम लगभग 4 जनवरी 2021 के आसपास से यहाँ पे या तो रेजिस्टेंस फेस करते हैं या सपोर्ट फेस करते हैं। अभी जब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था, याद करो क्लोजर नहीं मिल पा रहा था बॉडी का, और ऐसे स्ट्रगल करते हुए हमने 2 महीने बिताया। 2 महीने की चीजों को अगर आप 2 हफ्तों में भूल जाते हो
तो ये टेक्निकल एनालिसिस में आपको हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में, डेफिनेटली ये अब हमें सपोर्ट देगा। और यहाँ पे अगर हमें नीचे भी जाना है तो भी हम बाउंस बैक दिखाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन $20,000 के नीचे जाएगा या फिर $16,000 या $3,000 जाएगा, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ यार, निकलना भी चाहता हूँ ना तो एक बाउंस के लिए वेट कर लो, फिर जब बाउंस लगता है तब निकलो यार, जब रेड कैंडल होता है तब क्यों निकलने की बात करते हो। और दूसरों को डराओ मत, अगर आपको नॉलेज है तो जरूर शेयर करो फैक्ट के साथ। और यहाँ पे बाउंस बैक हमें लगने वाला है, और ये बाउंस बैक हमें फिर से जो है इंपॉर्टेंट लेवल, हो सकता है इस वीक हम 45,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट करने जाएंगे, एंड डेफिनेटली उससे पहले एक लेवल स्लिप अगर करते हैं तो 41,000 टूवर्ड्स हम बढ़ सकते हैं। याद रखना 41,000 के बिलो हमें किसी भी हाल में कैंडल क्लोजर नहीं चाहिए, अगर वो मिलता है तो डेफिनेटली हम 30s के रेंज में वापस से चले जाएंगे। दैट इज टोटली नास्टी फॉर ऑल्ट कॉइन इन बोथ टर्म्स, बीटीसी टर्म एज वेल एज डॉलर टर्म। तो अभी के लिए इस चार्ट के हिसाब से आपको दिख रहा है कि हम कितने बड़े हैवी सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर रहे हैं, दैट इज टोटली पॉसिबल आफ्टर हैविंग दिस काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो। एंड ये बुल कैंडल, इतना हैवी बुलिश कैंडल के बाद ये एक कंसोलिडेशन था, एंड उसके बाद हम रीटेस्ट कर रहे हैं। रीटेस्ट करने के बाद ये कैंडल मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू गो टू अप टू दीज लेवल एज वेल इन कमिंग डेज, बट क्या वो इसी वीक होने वाला वो मैं आपको कंफर्म करूंगा अगले 2-3 दिन के मूव के बाद, लेकिन फिलहाल जरूर जो है हम 45,000 के टूवर्ड्स बढ़ेंगे इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो एज वेल। बट यस, इस समय टाइम लग सकता है, फिलहाल अगला जो 24 घंटा है 48 घंटा है उस पे हमें वाच करना है कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। डेफिनेटली जो है अगले चार्ट पे लेके जाऊंगा, ये चार्ट के हिसाब से, ये वीकली चार्ट है मैंने आपको बता रखा है यार, ये वीकली चार्ट पे हम सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहे हैं, 12 साल का सपोर्ट लाइन है। ऐसा नहीं है कि हम ये लाइन को टेस्ट नहीं किए हुए, कई बार हम इसके नीचे भी गए हुए हैं, लेकिन ये लेवल हमेशा ही मार्केट का बॉटम रहता है। तो आपको वर्स्ट के सिनेरियो अगर समझ में आता है ना, तो आपको समझना चाहिए कि ये वर्स्ट के सिनेरियो, ये रेंज वर्स्ट के सिनेरियो पिछले एक साल में कई बार हमने देखा है, 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में घूमते रहता प्राइस, लेकिन अल्टीमेटली अपसाइड जाने के मूव ये चांसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेड जो हमारा कैंडल है, जो रेड हमारा शैडो है, वो ऑलमोस्ट जो है ग्रीन में कन्वर्टन के लिए रेडी हो रहा है। याद रखना ये ग्रीन कैंडल जरूर है, यहाँ पे रेड इस बना हुआ था, अब रेडिस बिल्कुल ही नैरो हो गया, यहाँ से अब कन्वर्जन शुरू होगा, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ था। और जब ये कन्वर्जन शुरू होता है वहां पे हमें ऐसे कंसोलिडेशन दिखते हैं, और वही हो रहा है, कंसोलिडेशन में हम प्राइस होल्ड कर रहे हैं। 12 साल का सपोर्ट लाइन, अपर जोन इस वीक की बात करूं, हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली मैंने आपको लेवल बता दिया 48,000 के आसपास, 45,000 के आसपास, लेकिन वीकली चार्ट पे इस अपर ट्रेंड की बात करूं जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उसकी भी बात करूं तो वो लेवल हमें बता रहा है 50,000 का लेवल। तो दैट इज इजिली पॉसिबल। मेरा इंडिकेटर जो कस्टमाइज मैंने आपको बता रखा है कोर्स के अंदर, डेफिनेटली मैं देने वाला हूं, दैट इज ऑल्सो शोइंग कि हम अभी जीरो के अबव जाने की कोशिश करें। जीरो के अबव जाने तो दो, जीरो के अबव जाते ही क्या होता है मार्केट में वो देख लो, और अभी तक पिछले कई सालों में जो हमने मूव दिखाया है उसका ओवरऑल एक आप लोगे तो आइडिया, तो एक मार्केट जो है प्रॉपर्ली 2017-18 के बाद जो मेच्योर हुआ था वहां से आप देखोगे जब जब हमने इस लेवल के आसपास अपर जोन में एंट्री मारी है बहुत हैवी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ हुआ, और हम यहां पे नीचे वाली जोन में जाने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि हम सपोर्ट लाइन पे ऑलरेडी है जो कि 12 साल का सपोर्ट जोन है। तो दैट इज अनदर फैक्ट। सो गाइज, आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मैं लेके चलता हूं आपको डोमिनेंस चार्ट पे, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। वीकली चार्ट पे हमें जो क्लोजर चाहिए था वो शायद हमें नहीं मिला, क्यों? क्योंकि कल के दिन बिटकॉइन ने वापस से फ्लक्चुएशन दिखाया। अल्टीमेटली क्या ये कैंडल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या कहोगे इस कैंडल को? शैडो, बहुत बड़ा शैडो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ प्राइस जो है जरूर क्लोज हुआ, यानी कि बुल्स जो थे ट्राई किए ऊपर जाने के लिए लेकिन बियर्स ने उनको नीचे की तरफ ढकेला, और अल्टीमेटली अभी भी कैंडल ग्रीन है तो आप कह सकते हो जीता जरूर बुल्स, लेकिन दिस काइंड ऑफ शैडो मींस रिवर्सल, एंड रिवर्सल मींस नीचे, एंड नीचे का मतलब क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह है डोमिनेंस चार्ट, डोमिनेंस चार्ट जब जब नीचे जाता है तब तब आपको देखने को मिलता है एक हैवी ऑल सीजन, और उसी की बात हो रही है। अभी इस वर्ष के सिनेरियो में इस वीक 42.12 पॉसिबल है, उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली सपोस्टिकार ऐसा है नीचे कंफर्म वे में हम 20 के बिलो चले गए जो पिछले वीक तक यहीं पे थे, तो अब बहुत तेजी से नीचे गिरेगा क्योंकि स्पेशली आरएसआई जैसे ही हमें अब फर्दर डाउनफॉल दिखाएगा। अभी आरएसआई 45 है, बिलो 50 यानी साइडवेज एक्शन में भी डाउनफॉल, एंड वही हम बढ़ रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस वीक का कैंडल जो है हम स्ट्रगल फर्स्ट हाफ में जरूर कर सकते हैं इस लेवल के आसपास, बट अगर बिटकॉइन 43,000-45,000 रीगेन करता है तो आपको बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखेगा, और ये सब होने वाला है अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर। सो आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे भी मेंशन कीजिएगा। अल्टीमेटली काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड, बट लास्ट जो कहते हैं जीरो के आसपास हैवी रेजिस्टेंस हमें हमेशा देखने को मिलता है या सपोर्ट देखने को मिलता है, तो वही हमें प्ले आउट होते हुए दिखेगा। ये वीकली चार्ट है, अभी भी वीकली चार्ट पे हमें स्ट्रेंथ है, इसीलिए थोड़ा बहुत जो है मार्केट बार बार ट्राई करता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वन डे के चार्ट पे अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट का पोजीशन बना हुआ है, रीटेस्ट कर रहा है 10 EMA। वर्स्ट के सिनेरियो क्या टेस्ट होता है 20 EMA। जो लोग नए हो उन लोगों पता नहीं हो तो आपको पता होगा यही लेवल टेस्ट करते करते हम पिछले साल दिसंबर 2020 से लेके इनफैक्ट जनवरी 2021 से यही लेवल रीटेस्ट करते करते हम इन लेवल्स पहुंच गए। तो इन लेवल्स से अगले लेवल पे जाने में भी ऐसा ही टाइम लगेगा, एंड डेफिनेटली जो है इस ड्यूरेशन में आपको ऑल्ट कॉइन बढ़ते हुए दिखेंगे आपको बीटीसी के पेयर में, बट
अभी जो हो रहा है वो रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट को आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक ना कर पाए। एंड डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 50 का RSI है, और मोस्ट प्रोबेबली हम यहां तक जा सकते हैं 42.12 के आसपास का मैंने लेवल बताया, और उसके बाद फर्दर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे अभी पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन ने मूव दिखाया उसकी वजह से हुआ, क्योंकि बिटकॉइन 42,000 का लेवल स्लिप किया, इसी वजह से ये हुआ। और मैं हमेशा कहता हूँ बिटकॉइन जब जब 42,000 का लेवल स्लिप करेगा तब तब ऑल्ट कॉइन गिरेंगे, BTC के पेयर में भी आपको नुकसान देते हुए दिखते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। और एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत सही एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू फिर से मिल रहा है आपको, एंड यहाँ पे फिर से हम स्ट्रगल करते हुए देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 8 आवर्स में। इस जोन में यानी 41.80 के आसपास बेस्ट केस मैंने बता दिया, इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हम नीचे जा रहे हैं, 4 आवर के चार्ट पे अगर देखते हैं क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम निगेटिव बने हुए हैं, ऑल्दो 1 आवर के चार्ट पे याद रखना यहाँ पे लॉन्ग का पोजिशन जरूर बना है, लेकिन ये लॉन्ग का पोजिशन लास्ट टाइम भी बना था, और कितने दिन सस्टेन किया, कितने आवर सस्टेन किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर हमें वीकली कैंडल नीचे देखने को मिला था। ऐसा ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर साइडवेज एक्शन बिटकॉइन का जारी रहा तो। 4 आवर के चार्ट पे बहुत हैवी कैंडल और इसी वजह से बहुत तेजी मूव आया, लेकिन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 42.12 के आसपास बोला है, यहाँ पे 42.04 के आसपास मुझे दिख रहा है, तो ये लेवल पॉसिबल है सपोर्ट वाइज 41.80 के आसपास। वंस वी ब्रेक दैट लेवल अगेन हम नीचे जाना शुरू कर देंगे, एंड उसके बाद फिर से आपको ऑल्टकॉइन में BTC पेयर में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगा इसी वीक। एंड इथेरियम BTC चार्ट पे बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, कहां से मिला है रेजिस्टेंस एग्जैक्टली येलो लाइन पे, एग्जैक्टली येलो लाइन जिसकी बात मैं कई दिन से कह रहा हूँ, ये लाइन के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इस चीज को ध्यान रखना। एंड डेफिनेटली अब हम वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं 21 EMA, जिसकी बात मैंने कही थी कि इस लेवल के आसपास अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकते हैं 0.073 के आसपास, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले डेज में स्पेशली नेक्स्ट 24-48 आवर्स में रीटेस्ट हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। एंड उसके बाद फिर फर्दर हमें मोमेंटम दिख जाएगा इथेरियम के BTC चार्ट पे, इथेरियम का USD चार्ट, बिटकॉइन ने स्लिप किया वैसे ही इथेरियम USD चार्ट पे भी बिहेव कर रहा, वैसे ही सारे इंडिकेटर यहां पे भी बने हुए हैं, तो दोनों पैरेलल चल रहा है। डेफिनेटली एक चीज बस बेनिफिशियल ये है कि इथेरियम पे इथेरियम 200 EMA लाइन के ऊपर है अभी भी रेड कैंडल बनने के बावजूद भी, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या आज का कैंडल वापस से हमें पुश करता है प्राइस 3254 डॉलर के आसपास नियर बाय, क्या हमारा कैंडल ग्रीन हो पाता है नहीं, बिटकॉइन के मूव पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से लेट इवनिंग आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट मूव्स आ सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या हो सकता है प्राइस एक्शन, डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया अलग अलग चार्ट के बेसिस पे, और अगर मैं फिर से अगर आपको रिपीट करूं तो डेफिनेटली जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल जोन होगा 42,700 का जोन होगा, एंड उसके बाद ही आपको अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता तब हम फर्दर ऊपर जाएंगे, अदरवाइज वहां से फिर से एक रिजेक्शन डेफिनेटली 41,000 के टुवर्ड्स ले जा सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। वॉल्यूम के बिना मार्केट जा रहा है नीचे, इस चीज को भी याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि बुलिश डाइवर्जेंस 4 आवर के चार्ट पे बहुत हैवी तरीके से प्ले आउट हो सकता है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, कल के दिन भी मैंने आपको कहा था 1 आवर के चार्ट पे जो बुलिश डाइवर्जेंस बना था कल प्ले आउट हुआ, और अभी भी बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर के चार्ट पे बना हुआ है, तो दैट इज रियली गुड न्यूज फॉर अस। एंड इट सीम्स अगर इवनिंग आवर्स में वॉल्यूम ठीक ठाक रहा US मार्केट ओपन के साथ, वैसे हमें कुछ हैवी बाउंस बैक मिल सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापस से हम 43,700 की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं अगर 1 आवर के चार्ट पे भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस अगर देखोगे तो प्ले आउट हुआ था, कल के दिन हम इस लेवल पे गए, रेजिस्टेंस लाइन ठीक हमें रिजेक्ट किया हुआ, ये रेजिस्टेंस लाइन कब से ड्रॉ किया हुआ आपको पता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन आपको प्ले आउट होता हुआ दिखता है। एंड डेफिनेटली जब रिजेक्शन फाइनल वाला मिला है वहां पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम जरूर मिला है, लगभग सुबह 3:30 बजे मार्केट ओपन नहीं हुआ था, बट स्टिल वी कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम था संडे को, बट अभी हम वापस से उस लेवल को रीगेन करने जा रहे हैं 42,500 के आसपास, 1 आवर के चार्ट पे रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर हम ये क्लियर करते हैं जिसके चांसेस हाई बनते हैं तो जरूर हम फिर से स्ट्रगल करेंगे 43,200 के आसपास, जिसकी बात मैंने कल के दिन भी आपको कही थी। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन का, ऑल्टकॉइन का, एंड इथेरियम क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में, आने वाले वीक्स में। अल्टीमेटली याद रखना इथेरियम 2.0 आने वाले 90 डेज के अंदर लॉन्च होने वाला है, एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन भी जो है वापस से रीगेन कर सकता है इसी ड्यूरेशन में वैल्यूज एज पर डिफरेंट चार्ट, बट वो चार्ट पे हम है बाउंड्री लेवल पे, तो बाउंड्री लेवल का अगर आप दुख या तकलीफ झेल सकते हो तो आप राइड करने की भी हिम्मत रखते हो, लेकिन अगर आपको ये पेन देता है तो आपको याद रखना है कि 40,000 के अगर नीचे बिटकॉइन कभी भी स्लिप करता है तो आपको साइड निकल लेना मार्केट से, अगर आपके अंदर जिगरा नहीं है, क्योंकि जिनके पास जिगरा है मार्केट उन्हीं को इस रैली पे अपसाइड लेके जाता है। एंड ऑब्वियसली आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन तो अब असली वाला कंफर्मेशन आपको इस लेवल के बाद मिलेगा जो कि $48,000 के बाद है। मेरे हिसाब से हम अप ट्रेंड में ऑलरेडी कंफर्म है, जिसकी बात मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आज के लिए,
अभी फिलहाल लाइव टीए नहीं हो पा रहा है, इवनिंग आवर्स में जल्दी मैं शेड्यूल करने वाला हूँ टीए वीडियो सेपरेट, लाइव क्यू एन ए सेपरेट, इवनिंग आवर्स में लाइव क्यू एन ए होगा एंड डेली बेसिस पे मॉर्निंग आवर्स में टीए वीडियो होगा। तो ये जल्दी आपको जो है अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा कि किस दिन से मैं रिज्यूम करने वाला हूँ लाइव क्यू एन ए ऑन यूट्यूब। तो आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखो एंड मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।